press the bell icon, never miss an update from Student Gabri. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टूडेंट खबरी। तो एक बार फिर से मैं हूं नफीसा आपके साथ आप तक कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जिससे आप अपने करियर का बेस्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की, तो मैं आपको आज विक्रम यूनिवर्सिटी की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करूँगी कि वो कैसी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर प्लेसमेंट्स कैसे आते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे आप डिसाइड करेंगे कि आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से स्टूडेंट खबरी को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आज हम बात करेंगे विक्रम यूनिवर्सिटी की। विक्रम यूनिवर्सिटी जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ये यूनिवर्सिटी अगर मैं बात करूँ तो ये एक गवर्नमेंट टाइप पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो कि 1957 में एस्टैब्लिश हुई है और UGC से एफिलिएटेड है और एक्रेडिटेड है NAAC विथ ए ग्रेड से। और अगर मैं आपको बताऊं तो 171 कॉलेजेस प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही एफिलिएटेड हैं इस यूनिवर्सिटी से। और इसके कैंपस के अंदर ही एक जू है जिसे विक्रम वाटिका के नाम से जाना जाता है। तो ये तो बात हुई कि इस कॉलेज की, इस यूनिवर्सिटी की, कि ये कैसा है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही UG और PG लेवल के कोर्सेज होते हैं सारी फील्ड्स में, कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट हो, सारी फील्ड्स में आपको UG और PG कोर्सेज अवेलेबल हैं। फिर वो इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी हो, आर्ट्स हो, एजुकेशन कॉमर्स हो, सोशल साइंसेस हो, तो ये सारी फील्ड्स में आपको यहाँ पे UG और PG कोर्सेज अवेलेबल किए जाते हैं। बात करूँ अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे BTech में आपको कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, तो वो है सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा है। तो ये सारी बात हुई यहाँ पे कोर्सेज की कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं, क्या क्या आपको अवेलेबल है। अब मैं अगर बात करूँ आगे एडमिशन प्रोसीजर की कि यहाँ पे कैसे एडमिशन होता है, तो यहाँ पे जो BE कोर्स है उसके लिए कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है, जो DTE काउंसलिंग होती है भोपाल में उसके थ्रू यहाँ पे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है BE कोर्सेज के लिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिप्लोमा और PG डिप्लोमा के लिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का इन कोर्सेज में एडमिशन होता है मेरिट बेसिस पे, क्या आपकी रैंक रही है उस हिसाब से यहाँ पे आपको एडमिशन प्रोवाइड किया जाता है। बाकी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड, तो हमने एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे काउंसलर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। अब हम आगे बात करें यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, तो लाइब्रेरी है, कैफेटेरिया है, हॉस्टल है, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिम है, ऑडिटोरियम है, लैब्स है, मतलब इस कैंपस में पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं जो कि आपको कैंपस के अंदर ही सब कुछ अवेलेबल किया जाएगा, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे बात करें यहाँ के प्लेसमेंट्स की कि यहाँ कैसे प्लेसमेंट्स होते हैं। तो पहले देखा जाए तो पहले यहाँ पे प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे थे, बट लास्ट कुछ ईयर्स की रेटिंग्स देखी जाए तो यहाँ का प्लेसमेंट का लेवल थोड़ा सा डाउन हुआ है, यहाँ की जो रेटिंग है वो ड्रॉप की गई है रीसेंट टाइम्स में। और बाकी के प्लेसमेंट्स यहाँ पे मतलब जो भी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं सबके अलग अलग प्लेसमेंट्स आते हैं, अलग अलग कंपनीज आती हैं। अब बात करूँ यहाँ के मैनेजमेंट की, तो यहाँ का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है जो कि हम पॉजिटिव पॉइंट में ले सकते हैं, यहाँ का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है और एक अच्छा बड़ा कैंपस है, तो मेंटेनेंस में थोड़ा सा इशू होता है, यहाँ पे एक्सपोजर कम मिलता है यहाँ पे स्टूडेंट्स को, तो ये हम एक नेगेटिव पॉइंट ले सकते हैं यहाँ का। बाकी अगर मैं आगे बात करूँ यहाँ के ओवरऑल रेटिंग्स की जो कि यहीं के पढ़े हुए स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग दी गई है, तो ये रेटिंग्स आउट ऑफ 10 है, तो एकेडमिक में इट इज़ 6 out of 10, फैकल्टी में 6 out of 10, इंफ्रास्ट्रक्चर में 5 out of 10, फूड एंड एकोमोडेशन में 6 out of 10, प्लेसमेंट में इट्स 4.5 out of 10 और सोशल लाइफ में इट्स 5 out of 10। तो ये तो बात हुई पूरी विक्रम यूनिवर्सिटी की कि यहाँ पे क्या है, कैसी कैसी फैसिलिटीज़ हैं, कैसा कॉलेज है। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और
डिस्क्रिप्शन में हमने एक गूगल फॉर्म और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स यहाँ के रिव्यूज़ दे सकते हैं जिससे आगे स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए एडमिशन लेने में, तो आप उसमें सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वर्थ लगी हो सो प्लीज़ डू लाइक इट एंड थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।